लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आज हुई स्मैकडाउन के बारे में, जो कि थी सुपर स्मैकडाउन मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर। तो भाई क्या क्या सरप्राइजेस हमको देखने को मिले। ब्रॉक लेसनर का रिटर्न, डीमन फिन बैलर का रिटर्न, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्मैकडाउन थी। वीडियो में एंड तक बने रहना भाई, सब आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। सो फैमिली, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे और मेरा नाम है दीपांकर कांडपाल और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल वाइंस कर। डायरेक्ट चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस देखो, शो को किक ऑफ ही करते हैं यहाँ पे द ब्लड लाइन आपकी, मतलब उसोज एंड रोमन रेंज। तो रोमन रेंज यहाँ पे आते ही कहते हैं कि भाई तुम सब मुझे एक्नॉलेज करो। भाई रोमन कहते हैं जब आती है बात स्पोर्ट एंटरटेनमेंट की, तो WWE रन करती है न्यूयॉर्क सिटी को, जिसके बाद वो पॉल हेमन से पूछते हैं कि भाई WWE को कौन रन करता है। तो भाई यहाँ पे पॉल हेमन का जवाब रहता है भाई रोमन रेंज रन करते हैं। भाई यार रोमन रेंज साफ सीधी बात कहते हैं और रोमन रेंज रन करते हैं, जिसके बाद भाई यहाँ पे रोमन रेंज कहते हैं भाई रन करते हैं न्यूयॉर्क सिटी को, और वो कहते हैं वो रन करते हैं MSG मतलब मैडिसन स्क्वायर गार्डन को, जिसके बाद क्राउड रिएक्शन देता है अपना, और जिसके बाद रोमन रेंज कहते हैं भाई तुम मुझे एक्नॉलेज करो। और गाइस मतलब आज बात ये है कि भाई क्राउड भी रोमन रेंज को एक्नॉलेज कर रहा होता है, रोमन रेंज का नाम ले रहा होता है, रोमन रेंज के नाम चैंट हो रहे होते हैं रोमन रेंज। मतलब गाइस आप लोग कह सकते हैं हील बंदे के नाम चैंट होना एक बहुत बड़ी बात होती है। याद आते हैं द बीस्ट ब्रॉक लेसनर, और गाइस ब्रॉक लेसनर ने आते ही मतलब एकदम तहलका था मचा दिया, जिसके बाद भाई ब्रॉक लेसनर मतलब यहाँ पे रोमन रेंज के फेस टू फेस आते हैं, जहाँ पे भाई पॉल हेमन भाई अब क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि भाई मतलब तुझे सिर्फ यूनिवर्सल चैंपियनशिप ही मिली, भाई कितनी अच्छी चैंपियनशिप, आप मतलब एक तरीके से WWE चैंपियनशिप की बात कर रहे थे। पॉल हेमन पूछते हैं कि क्यों आखिरकार WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप ही क्यों, जिसके बाद भाई यहाँ पे ब्रॉक लेसनर कहते हैं भाई एक सवाल मुझे तुझसे भी पूछना है, रोमन रेंज को ये क्यों नहीं बताया कि मैं समर स्लैम में आने वाला था। जिसके बाद भाई रोमन रेंज को शक होने लगता है पॉल हेमन में, और वो पॉल हेमन को मतलब घूरते हैं और अपना टाइटल लेते हैं और मतलब चले जाते हैं रिंग से, मगर वो बैक स्टेज नहीं गए। तभी भाई यहाँ पे पॉल हेमन मतलब जैसे पॉल हेमन पुराने में नहीं करते थे माय क्लाइंट ब्रॉक लेसनर वाला, एकदम वही फील आज मतलब आया है बहुत टाइम के बाद, एग्जैक्टली एक साल के बाद हम लोगों को पॉल हेमन ने कहते हुए सुनाई दिए। तो उस समय सबको लगा कि भाई पॉल हेमन अब ब्रॉक लेसनर की तरफ हो गए, लेकिन तभी ब्रॉक लेसनर बोलते हैं भाई अब तुझे रोमन ने जब तक फायर करेगा ना तब तक तू मेरा एक चैलेंज एक्सेप्ट कर। वहाँ पे पॉल हेमन बोलते हैं भाई कौन सा चैलेंज, कैसा चैलेंज पॉल। तो ब्रॉक लेसनर कहते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप का, और ब्रॉक लेसनर कहते हैं भाई मैं तुझे 5 सेकंड देता हूँ सोचने के लिए, मतलब 5 सेकंड देते हैं भाई, मतलब मेन इवेंट तक का भी टाइम नहीं देता, 5 सेकंड देते हैं। वो 5 सेकंड गिनते हैं 5 4 3 2 1 कहते भी नहीं है, F5 के लिए उठा देते हैं पॉल हेमन को, मतलब भाई पॉल हेमन को F5 के लिए उठाते हैं। तभी आ जाते हैं भाई रोमन रेंज, मतलब रोमन रेंज बचा लेते हैं, सुपरमैन पंच लगा देते हैं यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को भाई, एकदम मतलब तगड़ा सीन होगा था। जिसके बाद एक और सुपरमैन की तैयारी करते हैं, लेकिन यहीं पे भाई ब्रॉक लेसनर पकड़ लेते हैं उनको F5 के लिए। तभी आ जाते हैं भाई वहाँ से जे उसो लगाते हैं सुपर किक, जिमी उसो आते हैं वो भी सुपर किक लगाते हैं, दोनों भाई मतलब सुपर किक डबल सुपर किक लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर वहीं पे धराशायी कर देते हैं दोनों भाइयों को, और रोमन रेंज तो भाग लेते हैं पॉल हेमन के साथ। जिसके बाद भाई यहाँ पे ब्रॉक लेसनर अपनी सुप्लेक्स सिटी चालू कर, सुप्लेक्स लगाते हैं यहाँ पे। तो ये सेगमेंट भाई मतलब स्टार्टिंग में ही इतना बढ़िया मैडिसन स्क्वायर गार्डन में सेगमेंट देखने को मिला, जिससे भाई लोगों की एक्साइटमेंट आगे और बढ़ गई, क्योंकि भाई मतलब ब्रॉक लेसनर स्टार्टिंग में ही आगे बहुत बड़ी बात हो गई। भाई ब्रॉक लेसनर स्टार्टिंग में आए मतलब खतरनाक चीज़ हुई भाई, मतलब कह सकते हो आप स्टार्टिंग में। जिसके बाद यहाँ पे अगला मैच आता है मिस्टर मनी इन द बैंक बिग ई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन किंग नाकामुरा रिक बुक्स एंड द मिस्टीरियोज, मतलब उनके बीच में आप लोगों को 10-man टैग टीम मैच देखने को मिला, और अगेंस्ट में उनकी टीम थी सैमी जेन, अपोलो क्रूज, ओटिस, डॉस रिगलर एंड रॉबर्ट रूड। तो भाई यहाँ पे सीधी साधी बात है, बिगी वाली टीम ने हरा दिया यहाँ पे हमारे सैमी जेन की टीम को। तो ये मैच मतलब ठीक ठाक मैच था, 10-man टैग टीम मैच एकदम मतलब बेस्ट मैच, मैं इसे कहूँगा तो नहीं पर ठीक ही मैच था, हाँ मतलब ज़्यादा कुछ खास भी नहीं था इस मैच। और इसमें एक चीज़ और बच चुकी है, वो है कि भाई बिगी यहाँ पे लास्ट में कहते हैं कि भाई मैं ऑल माइटी के लिए आ रहा हूँ, या फिर मतलब वो कहते हैं रोमन रेंज के लिए, मैं किसी ना किसी के लिए तो आ रहा हूँ, और क्या पता बिगी आपको नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ में भी देखने को मिले। जिसके बाद यहाँ पे बैकी लिंच एंड बियांका ब्लेयर की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है एक्सट्रीम रूल्स के मैच के लिए, मैं फैंस चेयर कर रहे थे बियांका, मतलब बैकी लिंच चेयर नहीं कर रहे थे इस बार, और अब बैकी लिंच भाई पूरी तरीके से हील बन चुकी हैं, वो लेट आई वहाँ पे, मतलब जब तक यहाँ पे बियांका ब्लेयर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था उसके बाद आती है यहाँ पे बैकी लिंच, पूरी तरीके से हील बन चुकी है बैकी लिंच अब। जिसके बाद हम लोग बात कर लें यहाँ पे सबसे बेस्ट मैच ऑफ स्मैकडाउन कह रहा हूँ भाई, सेथ रॉलिंस वर्सेस एज, मैं कहता हूँ इसको मेन इवेंट में भी रखते तो कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब आप लोग कह सकते हो चीज़ें टस से मस नहीं होती, इतना
बेहतर मैच, इतना बढ़िया मैच, बेहतर नहीं भाई, बेस्ट मैच था स्मैकडाउन का ये, आज की स्मैकडाउन का, और भाई एकदम पीपीवी लेवल का मैच था, ठीक है। तो इस मैच में भाई हमें क्या क्या नहीं देखने को मिला भाई, दोनों बंदों की रेसलिंग इतनी बढ़िया, ठीक है, इतने अच्छे अच्छे मूव्स परफॉर्म कर रहे हैं भाई दोनों एथलीट्स, मतलब भाई मज़े ही आ गए, पूरी फीलिंग आई पीपीवी की। और भाई इसमें इतने अच्छे अच्छे सेगमेंट्स हुए, जैसे कि भाई एज ने पेडिग्री लगा दी यहाँ पे सेथ रॉलिंस को, और भाई सेथ रॉलिंस किक आउट करते हैं, सेथ रॉलिंस को स्पेयर पड़ती है, सेथ रॉलिंस उससे भी किक आउट करते हैं, और एंडिंग इस मैच की कुछ ऐसे होती है, सेथ रॉलिंस लगा देते हैं लो ब्लो, मतलब रेफरी का ध्यान नहीं होता और सेथ रॉलिंस लो ब्लो का इस्तेमाल करते हैं, और तभी एज के मतलब फेस में 3 सुपर किक्स मारते हैं, ठीक है, फेस में मारते हैं और नेक की साइड में भी मारते हैं। आपको पता है एज की नेक इंजरी की वजह से वो 11 साल से WWE में नहीं आए थे, और भाई मतलब आज मतलब एज के मुंह में इतनी सारी किक मारी, एज फिर भी खड़े हो जाते थे। फिर एज को आखिर में पड़ता है कि स्टॉम कवर होता है 1 2 3, बट रॉलिंस मतलब रॉलिंस एकदम अलग ही कैरेक्टर के लग रहे थे आज, मतलब इस मैच को जीतने के बाद रॉलिंस एकदम अलग कैरेक्टर हो गया था। रॉलिंस को पता ही नहीं था कि मतलब उन्होंने क्या किया, ये रॉलिंस को भी कुछ पता नहीं था। एज को ले जाया गया भाई, मतलब हॉस्पिटल ले जाना पड़ा एज को सीधा, एज को एम्बुलेंस में ले जाया गया। सेथ रॉलिंस से पूछा गया कि भाई क्या कहना है, तो सेथ रॉलिंस ने मतलब इसमें ज़्यादा कुछ कहा नहीं, और मुझे लगता है सेथ रॉलिंस का कुछ कैरेक्टर चेंज हमें देखने को मिल सकता है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। जिसके बाद यहाँ पे मेन इवेंट आता है, द स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस द उसोस फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप। मुझे तो लग रहा था भाई इस मैच में क्या पता टाइटल चेंज हो सकता है ब्रॉक लेसनर के इंटरफेरेंस की वजह से, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। रोमन रेंज भी वहीं पे खड़े थे रिंग के बाहर से, तो इनका मैच ठीक ठाक चल रहा था, अच्छी खासी पेस में मैच था, अच्छी खासी रेसलिंग थी। लेकिन इसके रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट इसका निकलता है कि जब भाई स्ट्रीट प्रॉफिट्स अपना फिनिशर लगाते हैं, मतलब आप कह सकते हो कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स का एक बंदा अपना फिनिशर लगाता है, वो होता है गाइस फ्रॉम द हेवन, शायद ये फिनिशर का नाम है, और वो पड़ता है यहाँ पे उसोस को, तभी भाई रोमन रेंज घुस जाते हैं अंदर। रोमन रेंज अपना, आप लोग कह सकते हो जो रोमन रेंज अपने सबमिशन मूव में फंसाते हैं, रोमन रेंज सबमिशन मूव में फंसा दिया यहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट के बंदे को, और दूसरे बंदे को भाई उसोस संभाल लेते हैं बाहर। तो इस तरीके से भाई इनको तो निपटा दिया था भाई यहाँ पे ब्लड लाइन ने। जिसके बाद रोमन रेंज थोड़ी सी बातचीत करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे आ जाते हैं डेमन किंग फिन बैलर, क्योंकि वो फिन बैलर का नाम भी लेते हैं कि भाई मैंने फिन बैलर को ये किया वो किया। तभी यहाँ पे आते हैं भाई फिन बैलर नहीं, डेमन किंग फिन बैलर भाई, अचानक से ऑलमोस्ट 2 ईयर के बाद डेमन किंग फिन बैलर का रिटर्न हो रहा है। मतलब अब यहाँ पे डेमन किंग फिन बैलर फेस करेंगे एक्सट्रीम रूल्स में रोमन रेंज को, ये कन्फर्म हो चुका है। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्मैकडाउन थी आज की भाई, इस स्मैकडाउन की तो अब व्यूवरशिप देखने की कितनी होती है। मैचेस भले ही कम थे स्मैकडाउन के अंदर, बट स्मैकडाउन वॉज इंटरेस्टिंग। आज बैरन कॉरबिन प्रेजेंट नहीं थे, लोगन पॉल भी प्रेजेंट नहीं थे, और केविन ओवंस वाला सेगमेंट भी नहीं देखने को मिला। तो ये चीज़ थोड़ी सी मतलब आप लोग कह सकते हो स्मैकडाउन को थोड़ी सी फीका करा, लेकिन ज़्यादा कुछ खास नहीं करा। और स्मैकडाउन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। एज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच भाई नंबर वन रखूँगा मैं आज की स्मैकडाउन, नंबर वन, ठीक है, आज की स्मैकडाउन का सबसे नंबर वन मैच एज वर्सेस सेथ रॉलिंस भाई। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।